अलैकुम, कैसे हैं आप सब? यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है। क्या हुआ है टाइम फजल? मेरे पास बहुत शो बिजी नहीं हो टाइम है। रहा। 12 बजे? अच्छा, अभी 12 बजे हैं और ये देखिए ये टाइम हो रहा है। अच्छा, तो अभी मैं आपके साथ आज अभी से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आज रात को मिनी बेबीज डिलीवर करेगी, या आज रात को या कल तक ये कर देगी। तो आज मैं आपको अपनी कैट की, अपनी मिनी की डिलीवरी का व्लॉग आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। ये देखें मिनी कितनी माशाल्लाह मोटी हो गई है। मिनी के 5-6 बेबीज तो होंगे इंशाल्लाह, है ना मिनी? मिनी कितने बेबीज आएंगे? मिनी मिनी की खुशी देखें, मिनी के वाइब्रेटर्स चल रहे हैं खुशी से। और मिनी को देखें माशाल्लाह कितनी हेल्दी हो गई है, और इसका अब मिल्क भी प्रॉपर बन चुका है। ये देखें प्रॉपर इसका मिल्क भी बन चुका है, और इसकी एक्सपेक्टेड है कि आज रात को डिलीवरी हो जाएगी या सुबह तक होगी। जैसे भी होगी मैं आगे व्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तो सो जाऊँगी, मेरी कैट्स जो है ना मुझे आके उठा देती हैं जब इनकी डिलीवरी होने वाली होती है, उठा देती हैं। तो मिनी भी हमें उठा देगी। मिनी अब प्रेग्नेंट है ना, तो मिनी जो है नॉर्मली तो 3 दफ़ा दिन में खाना खाती है, लेकिन आजकल जो है इसको हम 4 to 5 times दे देते हैं। जब भी हमारे पास आती है हम इसको खाना दे देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में इसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, और डिलीवरी के बाद भी इसको डाइट ज़्यादा चाहिए। मिनी प्रेग्नेंट कैट को फिश भी देनी चाहिए, चिकन भी देना चाहिए, हाँ, बोनलेस। बोनलेस चिकन दें, सूप दें, कैट फीड जो होती है ड्राई फीड आती है वो भी दें थोड़ी बहुत, इसको हर चीज़ इसको खिलाएं आप। जब डिलीवरी का टाइम होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसको क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो कैट तो यूजली तंग नहीं करती होती, बिल्कुल आराम से कर लेती है। कुछ कैट्स जो हैं वो कहती हैं कि बस मेरे ऑनर्स जो हैं मेरे पास ही बैठे रहें, और कुछ कहती हैं कि नहीं हमें अकेले डिलीवर करना है। मेरी कैट्स जो हैं ये तो यही कह चाहती हैं कि मैं इनके पास बैठी रहूँ ना। तो इनको अब जैसे इसकी डिलीवरी का टाइम होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी क्या चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी है। और इसको हमने आज रात अपने ही बेडरूम में रखा हुआ है ताकि मैं इसको देख सकूं कि इसने कब बेबी डिलीवर करते हैं बेबीज। तो अभी हम लोग मिनी को जगह बना कर दे रहे हैं जहाँ पे मिनी अपने बेबीज डिलीवर करेगी। तो हमने कॉटन लिया है स्क्वायर साइज़ में, थोड़ा सा खुला, ताकि मिनी उसमें आराम से लेट सके और बेबीज़ पैदा कर ले। तो हम लोग तो हमेशा इसी तरह से करते हैं कि इसको एक कॉटन दे देते हैं और नीचे एक हम लोगों ने शीट बिछा दी है ताकि इसके ऊपर जो है ना ये अपने बेबीज़ पैदा कर ले। अब ठीक है मिनी? मिनी अब ठीक है? हाँ मिनी, और कुछ चाहिए आपको? मिनी चलो नहीं ठीक है, अब आप चाहिए। बैठ जाओ। मिनू मिनू मिनू, और कुछ चाहिए? आ जाओ इसके अंदर, आ जाओ। अच्छा, मिनी ने लेट नाइट बच्चे पैदा किए थे और मिनी पूरी रात ये ना कवे, थोड़ी थोड़ी देर मिनी के बाद इसके बेबीज होते रह गए थे, और मैं भी पूरी रात ऑलमोस्ट जागती रही हूँ। ज़रा सी आँख लगती थी, फिर उठ के देखती थी इसके बच्चों को, देखती थी। मिनी आप नीचे चली जाओ ना। मिनी नीचे आपको बॉक्स दिए ना, उसमें बेबीज पैदा करो, जाओ बेड पे बैठने आपने। मिनी मिनी नीचे नहीं जा रही है, और मिनी कह रही है बस मैंने मामा के पास बैठना है। मैंने आपको बताया था ना कैट्स खुद ही बता देती हैं, अब ये इस तरह से आके हम लोगों को बता रही है कि अब मेरे बेबीज होने वाले हैं। नीचे इसका बॉक्स रखे है, उसमें नहीं जा रही है, हम लोगों के पास बैठना चाहती है। मिनो मिनो नीचे जाओ ना बेटे, ये इसके अंदर जाओ। ये देखो ये मैंने अपने बेड के साथ ही इसका बॉक्स रख दिया, इसने क्या कर दिया शीट के साथ, देखिए खुद ही चली गई है।
मिनी खुद ही नीचे चली गई है। अच्छा आप पता कैसे चलता है कि कैट्स की डिलीवरी होने वाली है? कैट्स की ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेटर्स चलने लग जाते हैं, और कैट आपके साथ आपसे ज़्यादा अटेंशन मांग रही होती है, या फिर ये होता है कि ना कैट जो है वो जगह ढूंढ रही होती है, कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रही होती है। अब मिनी क्या कर रही थी, मेरे पास बार बार आके ब्लैंकेट में छुप रही थी। मुझे पता चल गया था कि अब इसकी आज डिलीवरी हो जानी है, और उसके बाद हम लोगों को आइडिया होता है कि कैट की मेटिंग कब हुई है, तो कब तक इसकी एक्सपेक्टेड होगी डिलीवरी। तो यहाँ पे अभी मिनी ने एक बेबी डिलीवर किया है, और मिनी के माशाल्लाह से 4 बेबीज हुए थे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद होते रह गए सुबह तक, मतलब कि इसके ना सुबह तक बेबीज होते रह गए थे। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मिनी के 2 बेबीज हो चुके हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के इसको देख रही थी, वीडियो बना रही थी, बिल्कुल भी मिनी ने हमें तंग नहीं किया। अच्छा यहाँ पर आप देखें, इसने जब 3rd बेबी पैदा किया है, तो मुझे था कि मैं आपको ना इसका प्लेसेंटा भी दिखा दूँ। ये जो कैट की जो झिल्ली होती है ना, जो अक्सर पता नहीं मेरे ख्याल में लोग उसको कैट कहते हैं, बिल्ली की झाल भी कहते हैं मेरे ख्याल में, तो ये कैट की झिल्ली जो होती है, ये बड़ा इसके बारे में एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों का, बड़े सुपरस्टिशियस लोग हैं। लोग कहते हैं कि इसको अपने घर में रख लेना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा बरकत होती है, रिस्क में बहुत इजाफा होता है। यहाँ तक कि हमसे कितने लोग मांगते हैं कि हमें आप बिल्ली की झिल्ली दें, लेकिन ये बिल्कुल फजूल बातें हैं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। बल्कि कैट जो है, कैट को ये खाने को दे देना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, इसने 3rd बेबी डिलीवर की है, और साथ में वो प्लेसेंटा निकला है, तो मिनी इसको खा जाएगी। हर बेबी की दफ़ा, हर बेबी के लिए एक अलग प्लेसेंटा निकलता है। अगर मिनी ने 4 बेबीज़ पैदा किए हैं, तो वो 4 ही निकलेंगे, और मिनी उसको खा जाएगी। इसको कैट को खाने देना चाहिए, क्योंकि इससे कैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जो उसने एकदम से बेबीज डिलीवर किए होते हैं, उसकी एनर्जी जो है वो रीगेन हो जाती है। तो प्लेसेंटा को कभी भी कैट से रिमूव ना करें, वो खुद ही उसको खा जाती है और बेबी को क्लीन कर लेती है। यहाँ पे आप देखें, बच्चे जो है कितने अभी गीले हैं, ब्लड लगा हुआ है, लेकिन कैट्स जो हैं अपने बच्चों को खुद ही चाट लेती हैं, लिक करके उनको साफ कर देती है। अब यहाँ पे आप देखें, 4 बेबीज हो गए हैं, और बेबीज माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। मिनी ने उनको लिक कर करके बिल्कुल क्लीन कर दिया, और अब ये ड्राई भी हो चुके हैं, उसके लिक करने से ही ड्राई हो गए हैं। अब हम इसको जो है शीट को हम लोग चेंज करके दे रहे हैं, और इसको डबल करके दे रहे हैं, ताकि इसको ड्राई बना दें बिस्तरा। और थोड़ी देर के लिए हम इन बच्चों को धूप में भी लेके जाएंगे, क्योंकि सर्दी है और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब आपकी बेबी आपकी कैट्स जो हैं बेबीज डिलीवर करती हैं, तो आप उन पर नज़र रखें कि वो प्लेसेंटा रिमूव कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर सम टाइम प्लेसेंटा कैट के अंदर ही रह जाता है, तो वो अंदर पॉइजन क्रिएट टॉक्सिन्स बना देता है, और इससे कैट्स की जान का रिस्क होता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरी ये कैट का प्लेसेंटा अंदर ही रह गया था, और उस दिन आई थिंक मेरा पेपर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे टाइम पे पता चल गया 3-4 दिन के बाद, तो फिर हमें उसका ऑपरेट करवाना पड़ा था, और वो माशाल्लाह ठीक है। अभी हम लोग मिनी को खाना खिलाते हैं, और फिर उसको और बेबीज़ को छत पे ले जाते हैं। थोड़ी सी धूप में इसको थोड़ी देर रखूँगी, 10-15 मिनट के लिए, और फिर इनको फिर मैं नीचे ले आऊँगी। इतने बहुत है। अभी सब बच्चों के साथ भी तो वो खाएगी। मिनू खाना खाना है आपने? मिनू खाना खा लो। और इंशाल्लाह मैं अब आगे आगे और भी न्यू बॉर्न किटन से रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी। और विंटर्स हैं, तो आप इनके टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखें, इनको हीटर ऑन करके दें, ताकि इनका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे।
ये देखिए मिनी अपने बच्चों को ना बचा रही है। ये अब जोए आई है देखने क्या हो रहा है, और मिनी उसे मारने लगी है कि मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। मिनी तुम किस किस से बचाओगी? देखिए कैट हो, जानवर हो या इंसान हो, जो मर्जी हो, उसको अपने बच्चों से ना कितना प्यार होता है। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो और व्लॉग। आई होप आपने मेरी कैट का डिलीवरी व्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलूंगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफि।